एक्वा भी है और R3 भी। एक हाथ से R3 चला रहे हैं, एक हाथ से टाइगर चला रहे हैं। दादा शॉक हुई रॉक, हम लोग थोड़ा बेशरमी है, टेंशन नहीं है। क्रूज कंट्रोल लगाना पड़ेगा भाई, अभी गाड़ी देखो बॉस अपने आप जा रहा है ये, एकदम बिंदास, टेंशन नको। फाइनली गाइस लोग जस्ट नाउ घुसने वाले हैं। बाय बाय गुवाहाटी, बाय बाय। मेरा साथी मेरे साथ ना, तो सुन लेना, तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब। सो गाइस ये देखिए बिखरा पड़ा है पूरा कमरा हमारा, और यहाँ पे राइडिंग पैड जैसे कुछ दिन पहले आया था, हमने दिखाया था अनबॉक्सिंग करके, आज राइडिंग पैड भी पहनेंगे, जैकेट भी पहनेंगे, दोनों मोटोर का है। बाकी यहाँ पैकिंग हो चुका है टैंक बैग का, कभी भी जिंदगी में हम मैग्नेटिक टैंक बैग यूज ही नहीं कर पाए, बहुत ही खेद है जीवन में इसकी वजह से। इससे पहले भी जो बाइक था यानी कि R3 आपको पता ही है, उसमें भी प्लास्टिक का टैंक मिलता है, और उससे पहले जो बाइक था जो कि था यामा फेजर, उसमें भी प्लास्टिक का टैंक। नो प्रॉब्लम गाइस, टैंक बैग सीधा चिपकेगा एक्वा पे यानी कि टाइगर पे। गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है टैंक बैग लगा के, बाकी टेंशन नहीं, टैंक बैग के पीछे में रेन कवर भी है, मौसम में काफी मौसम में कभी भी गिर सकता है और चुम सकता है हमें। और कुछ दिन पहले निखिल भाई के वीडियो में हमने देखा था, वहाँ उन्होंने एंड्रॉइड का कुछ लगाया था क्योंकि कार में था एंड्रॉइड डिवाइस, देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं, एक बार राहुल भाई के शॉप में जाके देखेंगे, वो अगर लग जाएगा काबिल तारीफ बन जाएगा भाई साहब। और आज टेंशन नहीं है, टाइगर भी जा रहा है, FZ नहीं जा रहा है, इधर में देखिए R3, और दिन से पूछ रहे थे R3 का, ये रहा R3 भी जा रहा साथ, एक्वा और मिस्टर परफेक्ट दोनों जाएंगे साथ। फाइनली गाइस ऑल रेडी एंड सेट टू लीव, बहुत ही एक्साइटेड है हम क्योंकि एक्वा के साथ राउंड ट्रिप जो होने वाला है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का राउंड ट्रिप होने वाला है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है मूड के ऊपर, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि इतना लंबा जा रहे हैं अभी। सबसे पहले निकलने से पहले बिस्मिल्लाह करने से पहले SK के स्टिकर भी लगवाना है बाइक पे। जाने मन तेरा, एंड इट्स नॉट इजी गाइस, चेक इट आउट, पसीना से लथपथ, राइडिंग जैकेट, नीचे देखिए रेन पैंट, उसके नीचे राइडिंग पैंट, उसके नीचे चड्डी बड्डी तो है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस टैंक को फुल करवाते हैं, उसके बाद वीडियो का इंट्रो डालते हैं। 1500 में फुल टैंक हो गया, कितना लीटर आया? 14 लीटर, 19 लीटर का टंकी है। तो फाइनली गाइस फुल टैंक हो चुका है पेट्रोल, अभी इंट्रो डाल के मजा आएगा। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों बच्चे बड़े, मेरे समिति का फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल पूरा एकदम स्वैग से और तशन से निकल रहे हैं क्योंकि जो लुक्स आ रहा है भाई साहब पूछो मत, अभी इमरान भाई ने बताया वो टैंक बैग वैंग बैग लगा के राइडिंग गियर्स लगा कर जो लुक्स आ रहा है भाई साहब, क्या कर रहे हो बिना देखे कट मार रहे हो? ऐसे कैसे आए ना बताए चल भरे भाई, टैंक बैग तो बोल रहे थे कि इस बार टैंक बैग लगाएंगे, मैग्नेटिक टैंक बैग लगेगा तो टेंशन नहीं होगा, ऊपर से मेरे को तो टेंशन ज्यादा लग रहा है। टाइगर का टंकी जो है इसका शेप थोड़ा अलग है, ये एकदम नाच रहा है और इतना नाच रहा है कि भाई साहब कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो आज का जो प्लान था मेरा इनिशियली कुछ और था, कहीं और पे जाने का प्लान था, बट लेटर ऑन प्लान बिल्कुल सडनली मतलब हालात बदल गए, जज्बाते बदल गए, ऐसा हो गया और हम निकल पड़े राजेश भैया के घर में, क्योंकि जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि रोड ट्रिप जो है चालू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन वाला रोड ट्रिप, इनके साथ भी ज्वाइन करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एक कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने दिया था कल वाले वीडियो में, वही कॉन्टेक्ट नंबर आज भी दे दूंगा, नीचे आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो वाले राइड के सिलसिले में भी उनसे थोड़ा बातचीत होगा, और जिस डर डर से घर से निकले थे यानी कि रेन पेड लगा के निकले थे बारिश के डर से, वो डर का सामना तो अब तक हुआ नहीं, क्या पता आगे जाके फेस टू फेस हो जाए, तो रिस्क नहीं लेना है इसलिए पहने थे ये रेन गियर्स वगैरह। क्या खतरनाक गर्मी चल रहा है और उसी गर्मी को चुनौती देते हुए ये ट्रैफिक। सुबह से प्लानिंग कर रहे थे फटाफट निकलेंगे, बट अभी टाइम हो चुका है 4:07। एक्चुअली इमरान भाई को भी काम था, हमारा R3 में भी नाइट आई है और ये वाले मॉडल में तो हेडलाइट का पावर तो है लेकिन उसके साथ में डेनिली का फॉग लाइट है जो खतरनाक रोशनी छोड़ता है बॉस। सो गाइस R3 और टाइगर एक साथ पूरा एकदम बूम मार दो भाई, बूम मार दो, बूम हमारे दो शेर एक साथ रोड पर, बाय बाय गुवाहाटी, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। हाईवे है या गली का रोड है भाई, ऐसा हालत हो चुका है ना गुवाहाटी का भाई पूछो मत, एक लेन दो लेन तीन लेन, लेकिन लोग देखो कैसे चलाते हैं, ये देखो लेन के बीच में चला रहा है तो कैसे होगा भाई, देखो देखो देखो, हर गाड़ी वाले के पास ये रहता है स्पेशल वेपन RVM जिसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर, उसका उपयोग बहुत कम लोग ही करते हैं। देखो बोल ही रहा था मैं, ऐसा ही होता है भाई, एडजस्ट करना सीख लो या फिर कॉम्प्रोमाइज करना सीख लो, ऐसा ही होता है हाईवे पर, बचपन से यही देखते आ रहे, पता नहीं कब ठीक होगा। ओ भाई साहब क्या हो गया इधर, अच्छा अच्छा
खतरनाक एक्सीडेंट। अभी फिलहाल हम लोग हाईवे के बीच में है, साफ कर रहे हैं अपना हेलमेट। क्या हो गया था भाई? एक्वा ने पानी मार दिया। एक्वा के पीछे पीछे आ रहे थे भाई हमारे आर3 लेकर, ये कांड हो गया। हेलमेट वगैरह में कीड़े मकोड़े जो है बहुत सारे सुसाइड कर चुके ऑलरेडी। राइड स्टार्ट हो चुका है और देखिए गाइस एक्वा भी है और आर3 भी, एक हाथ से आर3 चला रहे हैं, एक हाथ से टाइगर चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फॉग लाइट है, डेनिली का फॉग लाइट, ये भयंकर वाला रोशनी छोड़ता है। आपके लिए भी क्विज है, डेनिली का फॉग लाइट का कॉस्टिंग कितना है अभी अगर आपको पता है फटाफट कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कर दिया कि नहीं? कर दिया ना? अभी वेट कर रहे हैं हम, कर दिया ना? अभी फटाफट नीचे गेस कर दीजिए कितना इसका प्राइस है। वीडियो के आखिर में हम बताएंगे इसका प्राइस कितना है, लेकिन खाली इसके बारे में पूछिए डेनिली। ये नीचे वाला लोकल है, ये वाला ब्रांडेड है। कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना। और यहाँ से टैंक बैग जो है पीठ पे ले लिया है, काफी तकलीफ हो रहा था, अभी अच्छा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। तो सुन लेना, तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे। बारिश गिरना चालू हो चुका है और हमारा गोप्रो जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं। इमरान भाई आर3 में काफी लाजवाब लग रहे हैं, क्रूज कंट्रोल लगाना पड़ेगा भाई। 83 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, अभी गाड़ी देखो बॉस अपने आप जा रहा है, ये एकदम बिंदास, टेंशन नको, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसको डिसएंगेज करेंगे, ये देखो जो एक्सेलरेटर है उसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे, ऐसे हम बोल रहे थे लास्ट वीडियो में, उल्टी दिशा में घुमाते ही क्रूज कंट्रोल खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। तो क्रूज कंट्रोल में चलाने का कोई शौक नहीं है, बारिश हो रहा है, इतना पीरो लेवल का क्लियर नहीं है हम अब तक। भाई साहब को ज्यादा ही डियरिंग कर रहे हम लोग, बारिश पहले हल्का फुल्का था ना, अभी बारिश का फ्लो काफी तेज हो चुका है। गोप्रो को रिस्क नहीं लेते, फटाफट बैग के अंदर डाल लेते हैं। ढूंढ के एक होटल मिल गया था यहाँ पर। कॉफी कैसा था भाई? अबे चाय मांगा था, पानी हमने कॉफी नहीं पिया, हमने पी लिया लाल सांड के। बारिश तो थोड़ा हल्का हो चुका है बट अंधेरा कायम रहे, अंधेरा हो चुका ऑलरेडी। भीगी भीगी रातों में, प्यासी प्यासी रातों में, पहली बरसात में कैसा लगता है। रात के अंधकार में जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हेलमेट में फॉग जमा हो गया है भाई साहब, थोड़ा सा हल्का खोलना पड़ेगा हेलमेट के वाइजर को। भैया जगह का नाम क्या है? तो चेरापुंज में है सोहरा और इधर में है कोहरा, और आज का मौसम भी कोहरा कोहरा धुंध वाला है। काफी बारिश के बीच में पेलमपुलाई करके यहाँ तक आके पहुंचे, गोप्रो सोचे थे लगा के निकलेंगे, फिर से बारिश आ गई। तो हम लोग का ट्रिप जो है घमासान चल रहा है, मॉनसून राइड काइंड ऑफ हो रहा है। लास्ट वाले वीडियो में हमने बहुत पूछा था कि हेलमेट एक लेना ऑफरोडिंग हेलमेट, क्योंकि ये वाले हेलमेट में हालत खराब हो गया बहुत। रेस्ट आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट दिया था, थैंक यू सो मच। LS2 का भी एक था, एरो का भी था, MT का भी था, कुछ कुछ कमेंट किया था। बंदे का कमेंट आया था LS2 का, कुछ MX वर्जन बोल के एक हेलमेट आया था, वो हमारे बजट के अंदर में फिट बैठता है, यानी कि 10,000 के नीचे वाला हेलमेट है, वही देखेंगे एक बार गुवाहाटी पहुंचते ट्रिप खत्म करके उसके बाद। ओ आ गया है गरम गरम साया, खाना पड़ेगा, उसे खाना नहीं पीना पड़ेगा। हम लोग तो आसाम का हिंदी बोल दिया बाबा, दादा शॉक वी रॉक, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है। हम लोग तो थोड़ा शर्म ये टेंशन नहीं है, हम लोग यूज टू हो चुके हैं कि नहीं, यूज टू होना ही पड़ेगा। अगर मोहब्बत है आपसे बात करना तो जरूरी है। भैया को सब्सक्राइब करवा दिया चैनल को, आपका नाम क्या? गुलाब सिंह। थैंक यू सब्सक्राइब कर दिया भैया, और एक सब्सक्राइब बढ़ गया। और फटाफट 200 के कर दो भाई, शेयर मारो, क्या करो चप्पल फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन में, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, और हमको भी कर दो यार, कर दो फटाफट। बाय कर इमरान, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू भाई साहब, अभी इसके लिए मेरे को 2,000 रुपए देना बात है। घर से निकलने के बाद लगभग हमने 110-120 किलोमीटर चला लिया बाइक को, और ये देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे एक्वा में भयंकर किस्म का माइलेज मिल रहेगा। फुल टैंक करवा के आए थे, टोटल यहाँ पे 10 बार शो करता है, ओनली 2 बार घट चुका है, बाकी 8 बार अभी भी अवेलेबल। मेरे ख्याल से फुल टंकी में 400 प्लस का रेंज होगा डेफिनेटली। हर 50 किलोमीटर में टोल लगने के बाद ना अभी ये नाटक शुरू हो चुका है, सच में ये लोग दे रहे हैं 50 किलोमीटर बाद टोल। मेनू की फर्क पड़ता है, और इंस्टाग्राम पे हमने ऑलरेडी स्टोरी डाल दिया गाइडिंग के हम जा रहे टुवर्ड्स बोंगाईगा, इनकेस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया फटाफट फॉलो कर लो गाइस, ताकि लाइफ के बारे में सारा अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो हेलो हेलो, गोप्रो माइक चेक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 कहा। तो फाइनली गाइस बहुत सा युद्ध करने के बाद बारिश के साथ नेचर के साथ फिलहाल हम लोग जस्ट नाउ घुसने वाले हैं बोंगाई गांव, और अभी तुरंत हमने कॉल कर दिया है हमारे राजेश भैया को। ग्लोव्स वगैरह सारा जो है ना एकदम भीग चुका है, हालत खत्म है एकदम, और फॉग लाइट जला के ब्लॉक कर रहे हैं, नहीं तो पूरा अंधेरा है, देखना है कितना अंधेरा है। लेट मी शो यू, अंधेरा उजाला। भैया मुझे बचाओ, भैया इस बारिश से बचाओ भैया। वेलकम टू बोंगाई गांव गाइस, फटाफट इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, देख लो स्टोरी, अभी भी टाइम था, वक्त है, चाहे मीटअप कर ले क्योंकि कल सुबह को ये वीडियो आएगा। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक एक बार इंस्टाग्राम चेक कर ले, जिंदगी से जुड़ जाओ भाई साहब, क्या कर रहे हो भाई, जुड़ जाओ। वाओ
तो गाइस ये तो गलत बात है। रिश्तेदार के घर पे भी खाली हाथ जा सकते हो, लेकिन दोस्त के घर में खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि रिश्तेदार ही वो रिश्तेदार होते हैं जो हमेशा तुम्हारा करते हैं, समझिए ना। आजकल लेडीज जेंट्स का भी चॉकलेट मिलने लगे भाई साहब, इसमें भी भेदभाव। चलो बाय 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 बाय, सब्सक्राइब कर देना। ओ हो, गली में घुसते ही ऑफ रोडिंग अच्छा है। घर के अंदर आते ही यहाँ लीजा सो रही है एकदम, उधर में राजेश भैया आते ही देखो जुगाड़ एकदम चाय कॉफी। इसको बहुत भूख लग रहा था, रोड पे बोल रहा था खाना खाना है खाना। अरे पानी पी रहे हैं भाई सब, कुछ खाए ही नहीं तो भूख नहीं लगेगी ना। केक भी ठूसो, पराठा ठूसो, मिठाई ठूसो। अरे ये तो साफ कर देंगे। क्या कर दोगे? साफ कर देंगे। ठीक है, देखने में ही दुबला है लेकिन अंदर में टंकी है। तो गाइस जैसे तैसे करिए फाइनली अभी पहुंच चुके हैं राजेश जी के घर में, इधर में है। रूम में काफी अंधेरा है इसलिए मोबाइल लगा के कर रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो में जो हमने नंबर दिया था इन्हीं का नंबर था, फॉर द रजिस्ट्रेशन राइड ऑफ मणिपुर नागालैंड जुको एंड इंडो म्यांमार बॉर्डर। एक्वा के साथ कहां कहां जाएंगे वीडियो पे बने रहिए, पता चलता रहेगा। कि अभी वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। याद वीडियो को जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज फाइट से, ऑलवेज फाइट सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में फटाक से। बाय 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 बाय। क्या अरे तुम खाना खाओ रे, तुम क्यों बाय बाय बोल रहे हो? बाय बाय बाय। और अगर रुके 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 वीडियो के समाप्त होने से पहले कुछ बोलना था ना, फॉग लाइट गेस कर लिया था? नहीं कर लिया। 56,000 नमस्कार।